जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस के ऊपर चर्चा करी थी वो था दरोगा जी का तोता। उसके तहत हमने जाना कि तोते की चोरी हो जाने पर किसी तरह की आपराधिक धारा के तहत थानेदार साहब न्याय नहीं करते हैं, बल्कि उनका न्याय जो है वो नैसर्गिक न्याय के ऊपर टिका हुआ होता है। और इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज के केस का शीर्षक है हेलीकॉप्टर तो उड़ गया। इसके तहत हम जानेंगे कि पुलिस का सारा कारोबार यूं तो डर के ऊपर टिका होता है। यदि वर्दी का रौब दाब ही नहीं होगा तो पुलिस से डरेगा कौन। लेकिन फिर भी कुछ मनचले युवक हर युग में ऐसे रहे हैं जिन्होंने पुलिस को या उसकी अकड़ को निकाल कर रख दिया है। इसी के ऊपर आज का ये हास्यास्पद केस है। चलिए शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर तो उड़ गया। 1939 में सोहराब मोदी की फिल्म पुकार रिलीज हुई। इस फिल्म के गीत और कहानी कमाल अमरोही ने लिखे थे। उस वक्त कमाल अमरोही की उम्र लगभग 21 साल थी। जी हाँ, ये वही कमाल अमरोही हैं जो एक जमाने में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी जी के शौहर थे, और इन दोनों ने मिलकर जो पाकीजा फिल्म बनाई थी वो मील का पत्थर साबित हुई थी इन दोनों के करियर की। लोग कहते हैं कि जब सोहराब मोदी ने पहली बार कमाल अमरोही के लिखे डायलॉग सुने तो वह हैरत में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि ऐसा लिखना कहां से सीखा है बरखुरदार। इस पर कमाल ने जवाब दिया, इसमें सीखने जैसा क्या है, ये तो हमारे अमरोहा में आम बोलचाल की जबान है। तो अब आपने समझा कि कमाल अमरोही, अमरोही उनका टाइटल नहीं है बल्कि जिस जगह पर वो रहते हैं उसको उन्होंने पीछे लगा रखा है। ऐसा अक्सर आपने पहले के जमाने के लोगों का देखा होगा, जैसे मजरू सुल्तानपुरी या शकील बदायूनी, राहत इंदौरी, लोग अक्सर जिस जगह पर रहते हैं उससे खासा लगाव रखते हैं। ये कहानी सच भी हो सकती है और महज एक किस्सा भी। लोग अक्सर बड़े लोगों के इर्द गिर्द इस तरह के किस्से बुन लेते हैं। यह किस्सा झूठा हो सकता है मगर इस बात में कोई शक नहीं कि अमरोहा के लोग हाजिर जवाब, खुश मिजाज और थोड़े खुराफाती तो होते ही हैं। आपको यकीन ना आए तो अपने गुप्ता जी से पता कर लो। गुप्ता जी लंबे अरसे तक अमरोहा शहर के कोतवाल रहे हैं। गुप्ता जी शहर में तीन बातों के लिए मशहूर थे। एक, वो बहुत सख्त हैं। दूसरे, गालियां बहुत देते हैं। और तीसरे, दिल के बहुत अच्छे हैं। सख्ती उनके काम में झलकती थी। गालियों की वजह से कई बार अपराध समीक्षा के बाहर बिठा दिए जाते थे और दिल के अच्छे थे, सो लोगों की छोटी मोटी गलतियां तो अनदेखी कर दिया करते थे। लेकिन गलती अनदेखी करने लायक भी तो होनी चाहिए। अगर कोई सरेआम उनका बकरा बना दे तो गुप्ता जी भला उसे कैसे माफ करें। तो अब इसी के ऊपर पूरा केस है। खैर, यह शायद वर्ष 2007 या 2008 की बात है। सुबह के करीब 4 बजे होंगे। अभी आसमान में रोशनी नुमाया न हुई थी, चांद अभी भी आसमान में दिख रहा था। लोग गहरी नींद में थे, सड़कों पर सन्नाटा था। बस कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे को चीर कर निकल जाती। ऐसे में पुलिस की एक जीप मोहल्ला बेगम सराय में आकर रुकी। जीप से गुप्ता जी उतरे और एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आहट न हुई तो उन्होंने दरवाजा थोड़ा जोर से खटखटाया। इस पर घर के भीतर से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया और दरवाजा खोला। दरवाजे पर पुलिस को देखकर बूढ़ा घबरा गया। वह व्यक्ति शक्ल से मेहनत मजदूरी करने वाला दिखता था, जो किसी तरह अपना घर चला रहा था। साफ लगता था कि अपनी जिंदगी में उसका कभी पुलिस से इस तरह आमना सामना न हुआ होगा। साहब, क्या मसला है, उसने घबरा कर पूछा। तुम्हारी छत पर एक हेलीकॉप्टर उतरा है, उसे बाहर लाओ, गुप्ता जी ने कड़क लहजे में कहा। मेरी छत पर हेलीकॉप्टर, उस व्यक्ति ने हैरत होते हुए पूछा। हाँ, हेलीकॉप्टर, इरशाद तुम्हारा बेटा है, कोतवाल साहब ने पूछा। जी, बूढ़े ने जवाब दिया। ठीक है, तो उसे ले आओ, कोतवाल ही लेकर जाना है। क्या किया है उसने, वह रात को आवारा घूम रहा था, हमने उसे पकड़ लिया लेकिन वह भाग आया। बूढ़े ने हाथ पांव जोड़े, बेटे की तरफ से माफी मांगी, गरीबी की दुहाई दी, रोया भी, लेकिन कोतवाल साहब का दिल ना पसीजा।
वह इरशाद को अपने साथ कोतवाली ले जाने पर अड़े थे। आखिर बूढ़ा अपने बेटे को लेकर बाहर आया। पुलिस उसे जीप में बैठाकर कोतवाली ले आई। कोतवाली में आते ही सबसे पहले कोतवाल साहब ने उसे 4 डंडे मारे और मुर्गा बना दिया। थोड़ी देर में दिन निकलने वाला था। लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ जा रहे थे। कुछ लोग अपने अपने काम पर रवाना हो रहे थे। अमरोहा कोतवाली चूंकि मुख्य बाजार में थी, सो लोगों का जुटना भी लाजमी था। एक लड़के को मुर्गा बना देखा तो तमाशबीन जुटने लगे। सुबह सुबह भला किस मामले में पकड़ लाए, कोई समझ नहीं पा रहा था। जिन लोगों को देर हो रही थी, वे आदतन पुलिस को गालियां देते हुए चले गए। जो लोग फुर्सत में थे, वे रुक कर तमाशा देखने लगे। मामला जब खुला तो लोग बहुत हंसे। दरअसल पिछली रात कोतवाल साहब उस लड़के की शरारत का शिकार बन चुके थे और अब अपनी खीज उस पर उतार रहे थे। हुआ यह था कि सर्दी की काली ठंडी रात थी। शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा था। उत्तर प्रदेश के इस इलाके में कोहरा जब पड़ता है तो बहुत भयंकर वाला पड़ता है। रोशनी हो तो भी दूर का दिखाई नहीं देता। जाहिर है इस तरह का माहौल चोरों के लिए काफी अनुकूल है। उन दिनों अमरोहा शहर में चोरियां भी खूब हो रही थी। आला अधिकारियों ने अभी 2 दिन पहले ही अपराध समीक्षा के दौरान इसके लिए गुप्ता जी के नट बोल्ट टाइट किए थे। मीटिंग से गुप्ता जी डांट से बच भी जाते, मगर उनकी जबान फिसली और गाली निकली। खैर, उस रोज मीटिंग में भी जो हुआ वह पुलिस विभाग का आंतरिक मामला था, लेकिन इसका दर्द गुप्ता जी को था। हालांकि इस तरह गाली देने पर उनकी सार्वजनिक खिंचाई कोई पहली बार तो नहीं हुई थी। उसी रात कोतवाल साहब शहर की गश्त पर निकले। सरकारी जीप में उन्होंने 2-3 सिपाहियों को बिठाया। इसके बाद वे ठंडी सड़क यानी आजाद रोड पर घूम रहे थे। अभी उनकी गाड़ी माधव सिनेमा से थोड़े आगे ही निकली थी कि गांधी मूर्ति की तरफ से 3-4 लड़के आते नजर आए। रात के करीब 2 बज रहे थे। इस वक्त स्टेशन पर किसी ट्रेन के आने का भी वक्त नहीं था। जाहिर है पुलिस के लिए रात में इस तरह लड़कों का घूमना, वह भी ऐसे माहौल में, संदिग्ध ही था। पुलिस की जीप लड़कों के बराबर से गुजरी। एक बार को तो कोतवाल साहब ने उनको नजरअंदाज कर दिया। जाने फिर क्या सोचकर ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोक कर पीछे की तरफ लो। दोबारा उन लड़कों के पास गाड़ी पहुंची तो कोतवाल साहब ने उनको रुकने को कहा। लड़के सहम कर रुक गए। अब पुलिस का इतना डर तो होता ही है। कोतवाल साहब ने उनसे प्यार से पूछा, बेटा तुम लोग रात में एक वक्त कहां से आ रहे हो? जी फिल्म देखकर, उनमें से एक लड़के ने तुरंत जवाब दिया। कोतवाल साहब ने घड़ी देखी, 2 बज रहे थे। इस टाइम भला कौन सा शो छूटता है और इधर कौन सा सिनेमा हॉल है? जी वो फिल्म तो हमने माधो सिनेमा में ही देखी थी, लेकिन नाइट शो खत्म होने के बाद चाय पीने स्टेशन चले गए थे। इस बार दूसरे लड़के ने जवाब दिया, अबे तो अब यह कौन सा चाय पीने का टाइम है? तुम्हारे माँ बाप तुमसे यह नहीं पूछते कि इतनी रात को कहां से आ रहे हो? जी पूछते हैं, लेकिन कभी कभी चलता है। अब की बार पहला वाला लड़का बोला, बेटा पहले चलता होगा, लेकिन जब तक मैं इस शहर में कोतवाल हूं यह सब नहीं चलेगा। कोतवाल साहब ने अपना लहजा थोड़ा ऊंचा करते हुए जवाब दिया, लेकिन अंकल हम कौन सा कहीं चोरी करके आ रहे हैं, चाय ही तो पीने गए थे। अब तक चुप रहे तीसरे लड़के ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा तो कोतवाल साहब के अहम से आवाज टकरा गई, भला कल का लौंडा इस तरह बात करेगा तो हमसे डरेगा कौन? और पुलिस का तो सारा कामकाज ही डर पर टिका है। हालांकि गुप्ता जी ने संयम बनाए रखा। वे ऐसे ही थे, गुस्सा होते थे मगर दिखते नहीं थे। अपना लहजा थोड़ा नरम करके बोले, चलो कोई बात नहीं, चाय पीने गए थे, लेकिन यह वक्त घूमने का नहीं है। तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम चारों थोड़ी देर के लिए मुर्गा बन जाओ। लेकिन अंकल, लेकिन कुछ नहीं, मुर्गा बन जाओ, वरना ये जो डंडा लिए सिपाही बैठे हैं ना, इन्हें मुर्गा बनाना भी आता है और बांग दिलवाना भी आता है, गुप्ता जी ने तकरीबन धमकाते हुए कहा। गुप्ता जी का लहजा सख्त हुआ तो तीन लड़के तुरंत मुर्गा बन गए।
लेकिन एक खड़ा रहा। तुझे मुर्गा बनने के लिए अलग से निमंत्रण पत्र दिया जाएगा, कोतवाल साहब ने पूछा। सर मुझे मुर्गा बनाना नहीं आता, उसने जवाब दिया। गुप्ता जी का ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही रहा था लेकिन खून का घूंट पीकर रह गए। भावनाओं पर काबू करते हुए नया सवाल दाग दिया, क्या आता है फिर? जी हेलीकॉप्टर बनना आता है। अब गुप्ता जी क्या तमाम पुलिस वाले हैरान थे, मुर्गा बतख कुर्सी जाने क्या क्या बनते लोगों को देखा था लेकिन हेलीकॉप्टर? अच्छा चल हेलीकॉप्टर बनकर दिखा, गुप्ता जी ने कहा। लड़का सीधा खड़ा हुआ, मुंह से खट की आवाज निकाली और एक बांह को डैने की तरह फैला दिया, फिर दोबारा खट की आवाज निकाली और दूसरी बांह सीधी करके चील जैसी मुद्रा में आ गया। वहां मौजूद तमाम पुलिस वाले और उसके साथ आए लड़के उसको हैरत से देखते रहे। लड़के ने मुंह से हुर 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 करना शुरू किया मानो हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो रहा हो। इसके बाद उसने दौड़कर जीप का चक्कर लगाया जैसे हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से पहले या उतरते वक्त लगाता है। एक चक्कर पूरा हुआ लेकिन वह लड़का नहीं रुका, दूसरा चक्कर पहले से थोड़ा बड़ा था, फिर तीसरा चक्कर जो पहले दोनों चक्करों से बड़ा था। इस तरह चक्कर लगते रहे और पहले से बड़े होते गए। करीब पांचवें या छठे चक्कर पर हेलीकॉप्टर सड़क पर सीधा दौड़ गया। गुप्ता जी को लगा थोड़ा दौड़कर लौट आएगा लेकिन वह नहीं लौटा। जब 5-7 मिनट गुजर गए तो गुप्ता जी ने साथी लड़कों से पूछा, वह कहां गया? सर वह तो हेलीकॉप्टर था ना, उड़ गया। अब तक तो अपने घर की छत पर उतर भी गया होगा, लड़कों ने मासूमियत के साथ जवाब दिया। गुप्ता जी को चक्कर आ गया, उनके साथ ऐसा आज तक न हुआ था। अगर उन लड़कों और सिपाहियों ने ना देखा होता तो शायद चुपचाप घर में आकर लेट जाते, लेकिन अब वह तमाशा बन चुके थे। हेलीकॉप्टर को पकड़कर कोतवाली ना ले जाते तो अगले दिन शहर में कोतवाल साहब का मजाक बनना तय था। हालांकि लोग अब भी हंस रहे थे लेकिन गुप्ता जी के दिल को एक तसल्ली थी, उनका मुर्गा भले ही बन गया लेकिन कम से कम मुर्गा बनाने वाला हेलीकॉप्टर उनके सामने खुद मुर्गा बन गया। तो ऐसा है ये चटपटा और मजेदार किस्सा। पुलिस भी आखिर हम आपके और मेरी तरह इंसान ही होते हैं, कभी कभी उनका भी बकरा बन जाया करता है। अक्सर हमारे बच्चे भी हमारे साथ इस तरह के मजाक करते हैं और अक्सर हम उनके मजाक में कई बार ट्रैप भी हो जाया करते हैं। तो इसे उसी नजरिए से देखने समझने और हंसने की जरूरत है। आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले केस के साथ। जय भीम, धन्यवाद।